त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बड़े बड़े नेता आज चुनाव प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खोबाई में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और जो कम्युनिटी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि काम पहले भी हो सकता था लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, और क्योंकि विकास उनके एजेंडे में नहीं था। घुसपैठ करवाते थे, यहाँ सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं पर लूटपाट करते थे। त्रिपुरा ने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, उनकी अराजकता को देखा है, उनकी गुंडागर्दी को छेड़ा है। उनके द्वारा त्रिपुरा के सामने जिस प्रकार का भीषण संकट खड़ा किया गया था उसको त्रिपुरा के लोगों ने देखा है, झेला है। 5 वर्ष पहले तक ही कम्युनिस्टों का कुशासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था, किसानों को बदहाल बना रहा था, माता और बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था, योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता था और सुरक्षा का वातावरण था। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ जब त्रिपुरा को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं मिलनी प्रारंभ हुई।